And till now, we have done what are the sectors of economy? Then the sectors based on the goods and services that they produce, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. देन आपने हम लोगों ने पढ़ा दैट व्हाट आर द टू सेक्टर्स बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ वर्किंग, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. नाउ वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन. उस दिन आपको मैंने बताया था बच्चे कि इन द डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली द पीपल हु आर वर्किंग दे डोंट गेट प्रॉपर बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, अगर कोई भी इंसान कहीं पर भी काम करता है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, इफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कल को आपको नौकरी मिल रही है. लेट अस जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि आप लोगों को कल नौकरी मिल रही है. नाउ व्हाट विल हैपन इज, व्हाट विल हैपन इज, इफ यू आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी, तो जब आप ज्वाइन करोगे, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, उस दिन यू विल बी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग दैट यू आर अपॉइंटेड इन दिस कैटेगरी. मतलब आप मानो इंजीनियर हो, आप मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तो आपको जो है दे वुड बी गिविंग यू कि नाउ यू आर ज्वाइनिंग दिस कंपनी ऑन दिस डेट, आपकी ये सैलरी है. अगर आप इतने दिन काम करोगे तो देन यू विल गेट दिस मच ऑफ लीव, आपको पूरे साल में ये छुट्टियां मिलेंगी. एंड देन जो भी आपके नॉर्मल छुट्टी होती है, गैजेटेड हॉलीडेज लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली वगैरह वो. एंड देन आपके सैलरी के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगी. नाउ इट डिपेंड्स, तो जो बेनिफिट्स होती है क्लास 10, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स. लाइक एक वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पर है कोई, काम कर रहा है, तो उसको गाड़ी रखने की, देन ड्राइवर रखने की, देन घर के अंदर भी नौकर चाकर रखने की सारी फैसिलिटीज दी जाती है. इन द मिडिल लेवल, जो हम लोग मैनेजरल लेवल बोलते हैं, वहां पर द पर्सन इज गिवन द मतलब उसको फैसिलिटी होती है, कहीं पे भी घूमने जाता है तो एलटीसी मिलता है. एलटीसी मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी अगर वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहा है, तो उसकी पूरी इन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में है ना, आप रैंक होता है, कौन से रैंक में आप मतलब काम कर रहे हो, आप कहीं पर भी घूमने जाओ. पहले तो एसी होता था, नाउ डेज इट इज द फ्लाइट. आपको इकोनॉमी क्लास का पूरा आना जाना, वहां पर जितने दिन आप रहोगे, सारे खर्चे आपके जो है दैट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट. इन द पब्लिक, इन द प्राइवेट सेक्टर्स, जो आपकी कंपनीज होती है, उनमें वो लोग क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट देते हैं. देन व्हेन अ पर्सन लीव्स द जॉब, अब हो सकता है भाई बंदा नहीं काम करना चाहता, 5 साल बाद नौकरी छोड़ रहा है, उस वक्त में द पर्सन विल बी गिवन ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, और भी जो भी मतलब कि उन कंपनीज में जो भी है, वो सारा कुछ दिया जाए. वेर एस आपके डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलती, आपको यहां पर कोई फैसिलिटी नहीं मिलता. नेदर द पर्सन कैन टेक हॉलीडेज, नॉर दैट पर्सन, मान लो भाई अब इंसान है तो इंसान बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा,
घर में फंक्शंस भी होती है, शादी होता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है. एट दैट टाइम द पर्सन मे नीड अ हॉलीडे, बट इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स यू डोंट गेट ऑल दीज बेनिफिट्स, यू डोंट गेट एनी थिंग. इनफैक्ट उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है. तो देन वॉट टू डू? अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दिस कम्स इन योर एग्जाम. अभी तो इस साल तो आई थिंक ग्लोबलाइजेशन में आपका पर्टिकुलर जो है वो चैप्टर हट, मतलब वो पर्टिकुलर थिंग हट गया है, लेकिन अकॉर्डिंगली ये वाला सेम कंसेप्ट आपके ग्लोबलाइजेशन में भी है. जो वर्कर्स होते हैं इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स, दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, मतलब उनके साथ हमेशा गलत होता है. उनकी सैलरी प्रॉपर नहीं दी जाती है, उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उन पर गए मतलब कि कई तरीके के एक्सप्लॉइटेशन होती है. तो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट? दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन क्लास 10. तो द वेरी फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर. सॉट आफ्टर मतलब जिसको सब लोग चाहते हैं. बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपैंडिंग वेरी स्लोली. इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द अनाम, मतलब कंपनी तो बड़ी है लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं कर रखा. और जब रजिस्टर नहीं करेंगे तो फॉलो नहीं करते रूल्स को. दे अडॉप्ट, और ऐसा क्यों करते हैं? टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट्स लेबर्स. आपके क्लस्टर ऑफ फैक्ट्रीज है जहां ये सब चीजें फॉलो नहीं होती है. एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स विच पे है वेरी लो. अब एक नौकरी चाहिए, ऑर्गेनाइज है डिसऑर्गेनाइज है, लोग इतना सोचते नहीं है, चले जाते हैं. दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज. द अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर. द जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड नो अदर बेनिफिट्स. तो हाउ? अब क्या है कि 1992 में इंडिया के अंदर, 1992 में व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ, आप लोग उसमें पढ़ोगे इन द ग्लोबलाइजेशन यू विल बी रीडिंग, देयर वाज अ हमारे इंडिया के अंदर जो है एक बिल्कुल नया जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया. एंड उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज होती है देवर अलाउड टू एंटर इन टू द इंडियन मार्केट. आज आपके पास अगर सैमसंग मोबाइल है या फिर कोई भी मोबाइल है, दिस इज बिकॉज उस वक्त में इंडिया ने अलाउ किया था द फॉरेन कंपनीज टू एंटर इन टू इंडिया, सेट अप देयर बिजनेस. वो लोग अपने बिजनेस को हमारी कंट्री में यू मतलब की सेट कर सकते हैं या हमारी कंट्री के साथ में दे कैन एंटर इन टू पार्टनरशिप. जैसे मारुति एंड सुजुकी, मारुति इज एन इंडियन कंपनी, सुजुकी वॉज अ जैपनीज कंपनी. टीवीएस, सुजुकी, बजाज अलायंस, हीरो, होंडा, देन ऐसे बड़ी सारी फॉरेन कंपनीज थी जिन्होंने इंडियन कंपनीज को खरीद लिया था. जैसे परख फूड को जो है आप मतलब कि जो पहले हमारा परख फूड था, नाउ फॉर्च्यून जो ऑयल है उस कंपनी ने खरीदा हुआ है. देन देर आर मेनी कंपनीज जिन्होंने इंडिया के अंदर ही सेट कर दिया है जैसे सैमसंग, एप्पल. आज नो डाउट वी आर हैविंग 100%, मतलब हमारे पास हर वो चीज है जो दूसरे लोगों के पास होना चाहिए. यानी वी आर हैविंग ऑल द मॉडर्न गैजेट्स, वी आर हैविंग एवरीथिंग. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तो जब ये
फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आई, जब ये फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पर आई तो इन्होंने इंडियन रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया। दे रेफ्यूज्ड टू फॉलो एनी इंडियन रूल्स। आज इट्स वेरी कॉमन टू फॉर अस, हम में से सबके लिए बड़ा कॉमन है, व्हाट वी कॉल एज टू गो टू मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, एंड दिस इज बिकॉज वी ऑल लव, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब ये ऐसा हुआ तो हमारे लिए फायदा तो हो गया। दे गॉट सो मेनी थिंग्स, हमारे पास मोबाइल आ गए, हमारे पास टीवी आ गए, हम सबके पास गाड़ियां आ गई, हम सबके पास सब कुछ आ गया। ऑन द अदर हैंड जाओ, जो लोग इसमें काम करते हैं, दे डिड नॉट कम अंडर एनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, दे ऑल केम अंडर द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स, क्योंकि दीज कंपनीज डू नॉट फॉलो द इंडियन कंपनी लॉ या फिर लेबर लॉ को ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लेबर्स, ऐसे लोग हैं जिन लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलता। सिंस द 1990, इट इज ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। दीज वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज, बिसाइड्स नीड फॉर मोर वर्क, देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। हु आर दोज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? वैसे तो जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज में है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्मॉल फैक्ट्रीज, छोटे छोटे शॉप्स, इन सबको प्रोटेक्शन चाहिए। जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स। आपके ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, कारपेंटर्स, छोटे छोटे फार्मर्स, छोटे आपके फैक्ट्रीज, जो घरों के अंदर फैक्ट्रीज होती है, दे डोंट गेट, तो दे नीड द सपोर्ट फॉर स्टोरेज, इनपुट्स, क्रेडिट, मार्केटिंग, इनको सबके लिए चाहिए। बिसाइड्स इन द अर्बन एरियाज, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कैजुअल वर्कर्स यानी कि जो डेली लेबर्स होते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड दोज वर्क एज अ स्ट्रीट वेंडर, जो लोग रोड में सामान बेचते हैं, हेड लोड वर्कर्स मतलब जो सामान सर पर उठाकर ले जाते हैं, गारमेंट मेकर्स जो टेलर्स वगैरह होते हैं। सी इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन दिल्ली, आपका जो सीलमपुर है ना, दैट इज द लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, आपका गांधीनगर एज वेल एज सीलमपुर। आप लोग सब जीन्स पहनते हो, हम सब जीन्स पहनते हैं, एंड यू नो ये जो जीन्स है, आप लोग ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ सकते हो, ये जो जीन्स है हम लोग खरीदते हैं से अराउंड 500, 1000, डिपेंड्स कि हम कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो जीन्स होते हैं, दे आर मेड फॉर 100 रुपीज, 200 रुपीज, एंड ये जो लोग इसमें काम करते हैं, मतलब जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे डोंट कम अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी वजह से ऐसे लोग जो है सबसे रिस्की होते हैं जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है। वी ऑल्सो फाइंड द मेजोरिटी वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंडिंग देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Besides getting irregular and low paid, these workers also face social discrimination. ये भी एक मतलब की है। Protection and support to the unorganized sector is thus necessary both economically and social development.
नाउ व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? सी द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू स्ट्रिक्ट द लेबर लॉस. जो हमारे लेबर लॉ है उनको उन्हों टाइट करना पड़ेगा. दे नीड टू टेल, अब इंडिया में दे नीड टू टेल कि भाई अगर आप हमारे यहाँ पर अपने बिजनेस को सेट करते हो तो जो हमारे यहाँ के लेबर्स हैं यू नीड टू गिव देम सम प्रोटेक्शन. सेकेंडली देर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उनसे बात कर कर भी द गवर्नमेंट कैन मेक सम अरेंजमेंट. एंड देन जो हमारे इंडियन कंपनीज है, जो छोटी छोटी कंपनीज है जो घरों में चलती है या जो रूरल एरियाज में चलती है, उनके लिए कोई स्कीम निकाले. प्रॉब्लम क्या कि हमारे यहाँ स्कीम तो बहुत सारे हैं बट हम में से आधे लोगों को स्कीम्स पता ही नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम, वेरी गुड स्कीम, जनधन योजना. अब ये जो जनधन योजना और जनधन आई थिंक बीमा पॉलिसी एक था, उसके में क्या है कि एनी पर्सन हु इज 50 इयर्स से यंग हो वो अपना जीरो बैलेंस पर अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है एंड ऑल्सो ही और शी कैन अप्लाई फॉर द इंश्योरेंस. हमें बड़े बड़े इंश्योरेंस के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है. अगर आप जीवन सुरक्षा बीमा जनधन का लेते हो तो दैट कैन बी गिवन. बट हम में से कितने लोगों को ये सब पता है? हाउ मेनी ऑफ अस नो? हाउ मेनी ऑफ अस हैव टेकन द बेनिफिट्स? सबसे बड़ी बात तो है कि हम हिंदुस्तान में मैक्सिमम पीपल डोंट इवन बिलीव इन इंश्योरेंस. हमारे लिए इंश्योरेंस का मतलब पता है क्या होता है? ओह अच्छा, मरने के बाद जो पैसा मिलेगा. वी डोंट नो एक्चुअली इंश्योरेंस इज अ लार्ज एरिया एंड एवरी वन ऑफ अस शुड हैव द इंश्योरेंस. नहीं करते हैं हम लोग. हमारे लिए इंश्योरेंस का मतलब होता है जो मरने के बाद पैसा मिलता है. नो, इंश्योरेंस इज फॉर द हेल्थ, इंश्योरेंस इज फॉर द मतलब की अदर थिंग्स. और आजकल तो इंश्योरेंस इज फॉर इवन फॉर द एजुकेशन एंड ऑल. तो गवर्नमेंट जो है उन्हें अवेयर करके, जो ऐसे लोग हैं, मतलब अब आप स्ट्रीट वेंडर को क्या समझाओगे, आप चाय वाले टपरी को क्या समझाओगे? तो द गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रिंग सच स्कीम्स जिससे इन लोगों को बेनिफिट हो. क्योंकि बेचारे जब इन लोगों के साथ कोई भी हादसा होता है ना तो इनके पीछे इनके घर वालों को देखने के लिए कोई नहीं होता है. दे डोंट गेट एनी PF, दे डोंट गेट एनी ग्रेच्युटी. तो इन लोगों के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू स्टार्ट मोर स्कीम्स. इस तरीके से द गवर्नमेंट कैन ट्राई टू, गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है. इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज देयर इन द ग्लोबलाइजेशन चैप्टर ऑल्सो. द गवर्नमेंट कैन टॉक टू द कंपनीज, उनको बोल सकती है कि भाई आप लेबर्स जो है उनके साथ में डोंट बी, उनको ऐसे नौकरी से मत निकाला करो. आप लेबर की बात करते हो, इवन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है ना उनको भी निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है. तो देयर नीड टू बी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो दैट इज हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द लेबर्स और द वर्कर्स इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर. यानी कि जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है उनमें काम करने वालों को हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं? तो हम उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम मोर अपॉर्चुनिटीज, बाय इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को जबरदस्ती और डिसऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज में लेकर आकर. जो लोग रोड में टी स्टॉल्स ऐसे वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनके लिए न्यू स्कीम स्टार्ट करके, एंड जो MNCs हैं उनके लिए WTO से बात करके वी कैन एंश्योर दैट कम से कम इन लोगों को बेनिफिट्स तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो मिले. नाउ अब तक हम लोगों ने पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप. है काम वही है, वही एग्रीकल्चर है, वही मैन्युफैक्चरिंग है, वही टेरिशरी है, लेकिन इसको कौन ओन करता है? कौन इसको मतलब इसको ओनरशिप किसके पास है? अनदर वे मतलब दीज आर वन मार्कर क्वेश्चंस.
Another way of classifying economic activities is on the basis of who owns the assets and responsible for delivery of services. एक हमारा है पब्लिक सेक्टर. नाउ पब्लिक का मतलब क्या है? जो सेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसका ओनर है, उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर. मतलब क्या होता है पब्लिक सेक्टर? वो कंपनीज, वो डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट चलाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज प्राइवेट इंसान जो है वो प्रॉफिट के लिए कमाएगा, वो क्यों दूसरों को वेलफेयर के लिए देगा? अगर आप किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलोगे भाई आप रेलगाड़ी चलाओ, रेलगाड़ी बनाओ और हमें उसमें मुफ्त में भेजो, विल इट बी पॉसिबल? नो, बिकॉज वो बेचारा अपना पैसा लगा रहा है, तो वो आपको मुफ्त में सवारी क्यों देगा? वेयर एज आपका जो गवर्नमेंट है, इट गिव्स यू ऑल दीज प्रिविलेजेस. मुफ्त में तो नहीं देता है, बट यस आपकी जो मतलब कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप जा सकते हो. पोस्टल एंड टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन, बस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, तो वो जो सारी इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट जो है वो ओन करती है, उनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर. एंड प्राइवेट होता है ऑल द कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टील, ये आपके जो है स्टील कंपनी मतलब टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को, ये आपका प्राइवेट है. इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है रेलवेज पब्लिक डैश प्राइवेट, तो आपको उसमें प्राइवेट का एग्जाम्पल देना है. या आपके आ सकता है रेलवे पब्लिक रिलायंस प्राइवेट, रिलायंस हिंदुस्तान यूनिलिवर, देन आपका अदानी, ये सब आपके प्राइवेट है. To get such, sorry, activities in the private sectors are guided by the motive of earn profit. It's but natural. To get services, we have to pay. भाई अगर आप, if you are buying something, Reliance Fresh में जाकर आप खरीदोगे सामान, तो वो अपना profit margin रखकर आपको बेचते हैं. Whereas आपका जो गवर्नमेंट होता है वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं, वो लोगों की वेलफेयर के लिए. रेलवे, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज टू नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू देम फॉर द टैक्सेस एंड अदर वे. जैसे आप रेलवे में टिकट खरीदते हो, तो जो पैसा हम टिकट के लिए देते हैं उसी प्रॉफिट को गवर्नमेंट यूज करती है अगले साल रेलवेज को इम्प्रूव करने में, उसको इम्प्रूव करने में. एंड जो टैक्सेस हम लोग देते हैं वो टैक्सेस जो है गवर्नमेंट यूज करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, दैट इज हाउ गवर्नमेंट अर्न करती है. मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन होल रेंज ऑफ एक्टिविटी. आपके हमें पता है देर आर सो मेनी एक्टिविटीज द गवर्नमेंट हैज टू, दे हैव टू प्रोवाइड अस 12,000, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, सो मेनी सर्विसेज आर देयर द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड अस. देर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट. व्हाई? बिकॉज बाई नाउ प्राइवेट लोग जो होते हैं दे वुड ओनली गिव यू सर्विसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई कैन नॉट दे गिव द सर्विसेज फॉर फ्री? बिकॉज पहले तो उनको अपना पैसा लगाना पड़ता है. भाई जब हम पैसा लगाएंगे तो हम प्रॉफिट भी चाहते हैं. सेकेंडली देर आर मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया या फिर आपका अदर थिंग्स हो गए, वो काफी महंगे होते हैं. उन लोगों के पास
इतना कैपिटल नहीं होता है, दे डोंट हैव दिस मच ऑफ कैपिटल. ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल इज नॉट ईजी. भाई कैसे लेंगे, गवर्नमेंट ने तो हमारे आधार कार्ड को लिंक कर रखा है, हमारे बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है, जहां हमारे पैसे हमारे बैंक में आए वहीं पर इनकम टैक्स आकर पहले हमें पकड़ लेता है. अब प्राइवेट लोग कैसे करेंगे? एंड इसीलिए द गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हेवी स्पेंडिंग एंड एंश्योर दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरी वन. In India, 1950 में, I'm talking about 1950, जब इंडिया आजाद हुआ था, हमारे सामने दो मॉडल्स थे. एक यूएसए, जहां पर आपके जितने भी कंपनीज थी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती थी, वो सेट कर दिए, और वो लोग जो टैक्सेस देते थे उन पैसों से गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के लिए काम करती थी. Whereas, जो आपका रशिया था उसमें जो है नेवर, उन लोगों ने क्या किया था, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सब कुछ गवर्नमेंट ने ओन कर दिया, प्राइवेट को नहीं दिया, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था सोशलिज्म इन रशिया. बट इंडिया में दोनों नहीं कर सकते थे, इंडिया में दोनों नहीं कर सकते थे. द रीजन, इंडिया में ना तो इतने कैपिटलिस्ट, इतने इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि हम जो है इंडस्ट्रीज को सेट करें. दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं था कि सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट उसको ओन करें. तो इंडिया ने लिया मिक्स्ड इकोनॉमी, जिनमें बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी लाइक स्टील, क्योंकि स्टील इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी मशीनों की इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और जो बाकी आपकी छोटी इंडस्ट्रीज थी कंज्यूमर की वो प्राइवेट में दे दी. क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने कैपिटलिस्ट अभी भी नहीं, अभी भी आप गिन के कितने लोग हैं बता दो. अगर हम इंडियन में देखें, अंबानी, अदानी, टाटा और शायद एक दो और, बस दे आर रिच, उनके अलावा तो कोई भी नहीं है. और इन एजुकेशन सेक्टर ऑल ओवर द कंट्री हमें करना है, ऑल ओवर द कंट्री हमें करना है, इतना पैसा उनके पास ना तो होता है, और इवन अगर वो लोग टैक्सेस लगाएंगे तो कैसे वो टैक्सेस को लेंगे. देर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट. फर्स्ट, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज. मेनी यूनिट स्पेसिफिकली इन द स्मॉल स्केल माइट हैव टू शट डाउन. भाई अगर प्राइवेट को दे दिया वो तो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगाएंगे. द गवर्नमेंट हेयर हैज टू स्टेप इन प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट दैट इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड. हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनको सब्सिडी मिलती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अगर आप उस पर्टिकुलर जोन में अपना इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का 50% बिल ही देना पड़ता है, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ऐसा प्राइवेट नहीं कर सकता है. इन इंडिया 1980s में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी था दैट वॉज देसू, दैट इज दिल्ली इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जब ऐसा जमाना होता था तो हम भगवान भरोसे होते थे, क्योंकि बारिश आई बिजली चली गई, बिजली गई तो बाय, चली गई वो, कब वापस आएगी कोई नहीं जानते थे. और उन दिनों में क्या था, आपका अंडरग्राउंड केबल होता था, और बारिश हुई और अंडरग्राउंड में खराब हो गया तो
तो कोई भी नहीं आएगा उसे ठीक करने के लिए, चार चार दिन बिना बत्ती के रहेंगे। मुझे याद है आई एंड माई सिस्टर यूज टू सिट आउटसाइड, हमारे पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाते थे, बच्चों कितने प्यारे बच्चे हैं, चार चुपचाप बाहर बैठे थे, बिकॉज वी डिड नॉट हैव द इलेक्ट्रिसिटी। बट नाउ प्राइवेट में क्या है, देन गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी उसे प्राइवेटाइज किया, रिलायंस को दिया, नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज इम्प्रूव, बट एट द सेम टाइम द रेट ऑफ पर यूनिट हैज ऑल्सो इम्प्रूव। तब तो हम बहुत सस्ता था, अब बहुत महंगा है। और इसीलिए ऐसे एरियाज जहां इंडस्ट्रीज है, अब इंडस्ट्रीज तो इतना पैसा नहीं दे सकते हैं ना बेचारे, उन लोगों को वर्कर की सैलरी भी देनी है, उनको रॉ मटेरियल्स भी खरीदना है, उनको बाकी सामान भी खरीदना है, तो इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी देन इट इज इजी फॉर द इंडस्ट्रीज टू रन। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट फेयर प्राइस, देन इट स्टोर्स इन गोडाउन एंड सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू द कंज्यूमर्स थ्रू रेशन शॉप। अगर प्राइवेट वाले सेल करेंगे वो तो फिर प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल करेंगे ना, आप जाकर अगर आप एक बासमती चावल खरीदते हो या नॉर्मल चावल भी खरीदते हो, इट इज अराउंड 40 रुपीज किलो, और गवर्नमेंट उन्हीं चावल को 10 रुपए 15 रुपए में देती है, सो दैट द रिच पीपल एंड द पुअर बोथ आर एबल टू अफोर्ड। जिनके पास पैसा है वो मार्केट से खरीदते हैं, जिनके पास नहीं है वो राशन की दुकान से खरीदते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं वो बेचारे चावल या गेहूं खरीद नहीं पाएंगे। देन द थर्ड इज द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द एक्सपेंसेस द वे which is beneficial for both farmers and consumers. There are large number of activities which are primary responsibility. For example, providing health and education. In all the countries, jo aapka health and education hai, that is borne by the government. Hamare yahan to bahut sare private schools hain. In many countries, you don't have these. Kyunki jo aapke poorest of the poor hai, wo kahan jayenge? Providing health and education facilities is example. Running proper school quality education, elementary education is duty of the government. Okay, हमारे यहाँ तो illiterate population is the largest in the world. Similarly, we know that nearly half of the Indian children are malnourished. कई लोगों को कई बीमारियां हैं। हम लोगों ने पढ़ा था IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, उड़ीसा में इट इज 40%, मध्य प्रदेश 48%। तो द गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन टू दीज ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी। द गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट, बहुत सारा कुछ किया है। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द व्हाट यू कॉल एज जो आपके LIG फ्लैट्स वगैरह जो दिए थे पहले, ये सब कुछ आपके सब्सिडी रेट्स में आए थे, जिससे कि गरीब से गरीब इंसान भी इसे खरीद सके। एंड नॉट ओनली दैट, दे इवन गिव देम द लोन फैसिलिटीज कि आराम से 20-30 साल में आप इसको जो हो कर सको। तो द गवर्नमेंट हैज कम ऑफ विद द हाउसिंग फैसिलिटीज, आपका फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आपके मिड डे मील स्कीम, देन आपका जो है मतलब राशन शॉप, एंड it has to take care of the poorest and most ignored regions of the country through increased spending. Aur jab tak hum ye sab cheeze nahi karenge beta, the overall economy jo hai hamara develop nahi ho sakta. So what we have read in this chapter is that economic activities ko hum alag alag tarike se class, hai wahi kaam wahi hai, agriculture, manufacturing and services, लेकिन हम उसी को on the basis of goods हम बोलते हैं primary, secondary and tertiary. On the basis of the condition of working, organized and disorganized, and on the basis of ownership, public and private. तो आपके जो private या disorganized sectors हैं, they are मतलब कि they need to be improved.
हमारे यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर वर्किंग इन द डिसऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड वी नीड टू गिव देम मोर प्रोटेक्शन, वी गिव मोर अपॉर्चुनिटीज, और हम लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट को भी इम्प्रूव करना है, इंडस्ट्रीज के कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, एट द सेम टाइम द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इम्प्रूव करना. So that is what we have read in the entire chapter, that is sectors of economy.